एलआईसी पर होगा चीन का खात्मा। भारत ने एलआईसी पर बिछाई सारी मिसाइलें, घुसपैठ करते ही राख हो जाएंगे चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, चीन को भारत ने दे दी है चेतावनी। भारत ने एलआईसी पर मिसाइलों का जाल बिछा दिया है और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा उबर कर अब भारत निकल गया है। दोस्तों एलआईसी पर दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और भारत और चीन में एलआईसी सीमा पर भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की जा रही है। वहीं एलआईसी पर महासंग्राम की कांड, दोनों देश हथियारों और मिसाइलों को तैनात कर एक दूसरे को ताकत अपनी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एलआईसी बॉर्डर पर भारत ने चीन को संभालने के लिए काली और दुर्गा को भेज दिया है। अब काली और दुर्गा चीन का काम तमाम करेंगी। लद्दाख हो या फिर तुआंग, कश्मीर हो या फिर गुजरात, जल थल नभ से अगर किसी दुश्मन ने भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो भारतीय वायुसेना के शौर्य से भस्म हो जाएगी। भारतीय वायुसेना का साथ देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की सबसे शक्तिशाली घातक अचूक शक्ति अस्त्र दुर्गा और काली आ रही है। दरअसल DRDO ने ऊर्जा निर्देशित हथियार DEW तैयार किया है। ऊर्जा निर्देशित हथियार से दुश्मन को मारने के लिए गोली या बारूद की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा का ऐसा केंद्रीकरण होगा कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु, विमान हो या सैटेलाइट, निशाना लगाते ही कुछ सेकंड में जलकर राख हो जाएंगे। 2017 में ऐसे ही उपकरण का परीक्षण तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली के सामने चित्रदुर्गा में किया गया था। यह 250 मीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने में कामयाब रहा था। अब भारतीय वायुसेना के नव नियुक्त प्रमुख VK चौधरी ने मंगलवार को ऊर्जा निर्देशित हथियार पर चर्चा की है। दरअसल दुर्गा 2 अस्त्र हवा, समुद्र और सतह से मार करने में सक्षम है। इसे किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी चपेट में आने वाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वही काली एक्सरे और माइक्रोवेव दो अलग आवृत्ति पर काम कर दुश्मन को तबाह कर देता है। इसकी माइक्रोवेव आवृत्ति किसी भी विमान के उपकरण को तबाह करने में सक्षम है। अब दुश्मन के ड्रोन, बलून या फिर अन्य उड़ते हुए कोई भी उपकरण मार गिराने के लिए मिसाइल खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अब इन्हें इसी तरह के हथियार से मार गिराया जा सकेगा। 2019 में राजस्थान के सरहदी इलाके में बैलून को मार गिराने के लिए सुखोई से मिसाइल दागी गई थी। 2016 में 30 mm GSH-301 की कैनन से 97 गोली एक पाकिस्तानी बैलून पर मारी गई थी। यह काफी खर्चीला पड़ता है। चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शनिवार को भारत ने ओडिशा के बालासोर से सोई मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूत करेगी और संचालन में हल्की व आसान है। भारत ने इस आधुनिक मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब LSC पर चीन के साथ तनाव चरम पर है। मौजूदा मिसाइलों के मुकाबले यह हल्की है और इसका इस्तेमाल भी आसान है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ते हुए अंतिम चरण में यह हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है। PM नरेंद्र मोदी की ओर से इस साल घोषणा के बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक मिसाइल के फील्ड में देश को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। भारत ने इस बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है जो 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है और पिछले मिसाइलों की क्षमता से 100 किलोमीटर अधिक है। सोजी मिसाइल का पहला परीक्षण 2008 में ओडिशा के चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया था। इसके बाद सितंबर 2011 में इसका दूसरा परीक्षण किया गया था। पहले इसकी क्षमता 750 किलोमीटर दूर तक हथियारों को ले जाने में थी। सोजी मिसाइल में क्या है ऐसी खासियत? सोजी एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसे एक कंपोजिट कैनिस्टर से स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से मिसाइल को कहीं भी तैनात करना और बाहरी चीजों से बचाना आसान है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेक 7 या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। टारगेट को हिट करते वक्त इसकी रफ्तार मेक 4 हो जाती है। इसकी वॉरहेड 160 किलोग्राम का है। मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट, ट्रैक करने या इंटरसेप्ट करने के लिए 40 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा। क्रूज मिसाइलों की खूबियों से लैस है यह बैलिस्टिक मिसाइल। टू स्टेज रॉकेट वाली सोरी मिसाइल पहले ऊंचाई हासिल करती है, फिर टारगेट की ओर बढ़ती है। वैसे तो यह बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, लेकिन क्रूज मिसाइल की तरह खुद को टारगेट तक गाइड कर सकती है। यह अपने साथ न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है। वहीं पिछले ही वर्ष DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित फायरिंग रेंज से
देश में विकसित लेजर गाइड एंटी टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। लेजर गाइड एंटी टैंक मिसाइल 5 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। प्रायोगिक परीक्षण के तहत इस मिसाइल को हेमंतनगर में स्थित आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल स्थित केके रेंज में एक MBT अर्जुन टैंक से दागा गया था। स्मार्ट AGTM हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है भारत। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में और हाल ही में चीन के साथ चल रहे सीमा पर तनाव के समय से कई मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें Agni-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर डिफेंस सिस्टम पर्पस के लिए आकाश प्राइम मिसाइल तक का परीक्षण किया गया है। लेकिन पिछले साल भी भारत ने 2 महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण किया था। पिछले साल सितंबर के महीने से ही हाइपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का टेस्ट हुआ। उससे पहले साल सितंबर को हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ। वहीं पिछले वर्ष अगस्त में MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यानी कि AGTM का टेस्ट भी हुआ था, और उसके बाद 800 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी किया गया था। और भारत अब 2019 में पिनोक रॉकेट्स लॉन्चर और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी कर रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध की स्थिति में इन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल चीन पाक के टैंकों को उड़ाने के लिए किया जा सके। वहीं दोस्तों, भारत अब सीमा पर अपने एक से बढ़कर एक हथियारों को तैनात कर रहा है। जहां पहले देखा कि भारत ने M77 होबिचर आर्टिलरी तोप K9 वज्र और भीष्म टैंक तैनात किए हैं, लेकिन भारत अब सीमा पर और हथियारों की तैनाती करना चाहता है। और इसके लिए दोस्तों भारत के DRDO ने कार्य भी शुरू कर दिया है। भारतीय सेना लगातार बॉर्डर पर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। ऐसे में DRDO भारतीय सेना का बखूबी साथ दे रहा है, और इस समय में भारतीय सेना के तोपखाने को 400 से ज्यादा आर्टिलरी गन को तुरंत जरूरत है। ऐसे में सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए DRDO ने 18 महीनों में ही 200 से अधिक मेड इन इंडिया एडवांस टॉवर आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS होबिजर तैयार करने का फैसला किया है, और कुछ तोपें बना भी चुका है। इन तोपों के लिए ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर फायरिंग रेंज में इस स्वदेशी तोप का ट्रायल चल रहा है। एडवांस टावर आर्टिलरी गन 48 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक तरीके से टारगेट को हिट कर सकती है। इसके साथ ही तोप खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा मूव कर सकती है। ये 52 कैलिबर राउंड से लेगी, जबकि बोफोर्स आर्टिलरी गन की क्षमता 39 कैलिबर की है। ऐसे में यह दूसरी आर्टिलरी बंदूकों से बेस्ट है। DRDO मेड इन इंडिया ATAGS होबिजर की ट्रायल चांदीपुर के अलावा राजस्थान की महाजन रेंज की तपती गर्मी के साथ ही चीन सरहद पर सिक्किम के कड़कड़ाती ठंड में भी कर चुका है, और अब तक ये तो 2000 से ज्यादा गोले दाग चुकी है। DRDO की ओर से तैयार की जा रही ATAGS होबिजर अपनी श्रेणी की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली होबिजर तोप बने, और अब यह तोप अपने ट्रायल के आखिरी चरण में है, जिसके बाद इस साल के अंत तक यह भारतीय फोर्स को DRDO द्वारा दे दी जाएगी। दोस्तों बात बताए कि क्या वर्तमान में LSC सीमा पर चीन के साथ भारत के चल रहे विवाद और झड़प के बीच भारत को और अधिक से अधिक हथियारों की तैनाती करनी चाहिए, या फिर अब की बार सीधा चीन पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।